अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। चंद दिनों में ही अफगानिस्तान से आने वाला सूखा मेवा के दाम 150 से 2 गुना तक बढ़ गए हैं। भारत में जहां त्योहारों के सीजन में ड्राई फ्रूट की मांग बढ़ जाती है और अब रेट बढ़ने से लोगों की जेब ढीली होना शुरू हो गई है। ड्राई फ्रूट बेचने वाले व्यापारियों ने सोचा भी नहीं था कि अगस्त में भी दाम बढ़ जाएंगे। वहीं जहां ड्राई फ्रूट खरीदने वाले पहले से कम खरीद रहे हैं, अब दूसरे अब कई लोगों ने इसे खरीदना ही बंद कर दिया या महंगाई की वजह से। ड्राई फ्रूट के दाम बढ़ने से अंबाला में भी दुकानदार और ग्राहक परेशान नजर आ रहे हैं। दुकानदार यही बताते हैं कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है वहाँ से ही ड्राई फ्रूट बंद हो गया है और पीछे से बहुत कम आ रहा है, इसी वजह से बहुत महंगा हो चुका है। कितना खरीदेंगे आप, पहले कितना खरीदते थे और अब कितना लेंगे? पहले हम लेते थे बादाम वगैरह बहुत ज्यादा, अब उससे कम हो गया है। मैं आज ड्राई फ्रूट लेने आया था तो इतने ज़्यादा तेज इनके रेट हो चुके हैं, जो रेट एक साल में तेज होते थे 1.5-2 महीने में डबल हो चुके हैं। तो जो हम 1 किलो लेते थे हमें आधा किलो लेना पड़ रहा है। अब दुकानदार जो बता रहे हैं इसका कारण ये बता रहे हैं, जो तालिबान ने उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अब आगे त्योहारों का दिन है, महंगाई और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे अहूजा है, मेरी फर्म का नाम अहूजा किराना स्टोर है। मेरा ड्राई फ्रूट और मसालों का काम है। इस बार तालिबान और अफगानिस्तान के चक्कर में ड्राई फ्रूट 200-300 रुपए किलो तेज हो गया। बादाम गिरी है, अंजीर है, मनक्का है, ये 200-250 रुपए किलो महंगा हो गया। अमेरिकन बादाम गिरी जो है 640 पहले बिक रही थी, जो आज 960 बिक रही है। अमेरिका में इसकी फसल ख़राब हो गई है बादाम गिरी की, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। जो कस्टमर किलो सामान लेता था वो 250 ग्राम ले रहा है और कुछ ले रहे हैं, कुछ ले भी नहीं रहे, वापस जा रहे हैं। ड्राई फ्रूट बहुत महंगा हो गया। अफगानिस्तान के हैं वो अराजकता वाले हैं, ठीक है। इस वजह से जो ट्रेड के ऊपर फर्क पड़ा है, ट्रेड बंद हो गया है, वहाँ से जो है काफ़ी ड्राई फ्रूट काफ़ी मात्रा में जो हिंदुस्तान में आता है। लेकिन अब जो है तालिबान के हाथ में जाने से जो है परिस्थिति बदल गई है, वहाँ से व्यापार करना अब आसान नहीं है, व्यापार बंद हो गया है और इस वजह से जो है ड्राई फ्रूट जो है काफ़ी तेज़ी आ गई है, जिसमें चाहे आप गुरबंदी गिरी कह लो, काबुल वाली किशमिश कह लो, अंजीर कह लो और बहुत सी आइटमें आती हैं जो उधर से आती हैं। दुकानदार यही बता